हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग 11 पर। आज हम बात करने वाले एनबीए लीग में जो आज का मुकाबला होने वाला है बीओएस वर्सेस बीकेएन के बीच जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किसको ड्रॉप करके चले, कौन सा प्लेयर आपके लिए संभव लीग और ग्रैंड लीग में बेस्ट ऑप्शन कैप्टन विस कैप्टन रूम में होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के प्लेयर के हर एक प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। तो जो सबसे पहले बीओएस की तरफ से बारे में जब बात करें जैसन टैटम के बारे में, एज पावर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं, लगभग 2000 के लगभग इस लीग में इन्होंने पॉइंट कवर करके बेस्ट ऑप्शन आपके पास पावर फॉरवर्ड के रूम में बीओएस की तरफ से जैसन टैटम के रूम में आपको देखने में मिलेगा। इनको आप अपनी टीम में एज ए पावर फॉरवर्ड के साथ साथ कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला, चाहे आप स्मॉल लीग में लेकर चले चाहे ग्रैंड लीग में लेकर चले। जितनी भी टीम बनाए इनको आप अपनी टीम में एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में जरूर पिक करके चले, आ जाए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। अब हम बात करें जैलेन ब्राउन के बारे में, तो एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 1273 के लगभग इन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर करके 316 के लगभग इन्होंने लीग मैच प्ले करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। आप अपनी टीम में एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीम में मौका दे सकते हैं, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्लेयर होने वाला है। दोस्तों बीकेएन की तरफ से बारे में बात करें, केविन डुरंट के बारे में बात करें, तो केविन डुरंट आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में लगभग 1500 के लगभग इन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर करके 324 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले कर रखे हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर है, इस लीग में बहुत ही अच्छे खासी परफॉर्मेंस पर है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन आने वाले, तो आप अपनी टीम में इनको एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में जरूर मौका दीजिएगा। अब हम बात करें एंड्रे डुमोंद के बारे में, एज ए सेंटर रूम में इन्होंने इस लीग में 1000 के लगभग पॉइंट कवर करके, अगर करियर के बारे में बात करें 272 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले कर रखे। एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर है, आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक होने वाला है एज ए सेंटर रूम में, तो आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। कैप्टन या वाइस कैप्टन रूम में लेकर चले तो भी आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, तो ग्रैंड लीग में अब हम बात करते हैं डैनियल थीस के बारे में, इस लीग में इन्होंने 357 के लगभग पॉइंट कवर करके आपके पास ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट चॉइस होने वाली है एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में, आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। रिस्की प्लेयर है, इसलिए हम रिस्की प्लेयर को हम सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करते हैं, रिस्की प्लेयर को हम अपनी स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल लीग में हम अपने बेस्ट से बेस्ट प्लेयर पिक कर चलते हैं। रिस्की प्लेयर थोड़े रिस्की प्लेयर दिखते हैं, उनको हम अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर देखते हैं, तो कोई भी लॉस नहीं होने वाला, आप अपनी टीम इनको जरूर मौका दे सकते हैं। बीओएस की तरफ से बेस्ट ऑप्शन होना है। पैटर्न प्रिचर्ड के बारे में बात करें, इस लीग में इन्होंने लगभग 500 के लगभग पॉइंट कवर करके हर मैच में लगभग 15 से ऊपर पॉइंट कवर कर सकते हैं। अगर करियर के बारे में बात करें 282 अभी तक इन्होंने लीग मैच प्ले करके, एक्सपीरियंस प्लेयर है लेकिन थोड़े रिस्क है, इसलिए आप अपनी ग्रैंड लीग टीम इनको जरूर मौका दीजिएगा, स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। बीकेएन की तरफ से हम बारे में बात करें, कैसलर एडवर्ड के बारे में बात करें, 400 के लगभग इस लीग में पॉइंट कवर करके हर मैच में लगभग 10 या 10 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, तो आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में लेकर चलिएगा, थोड़े रिस्क है इसलिए हम अपनी ग्रैंड लीग में लेकर चलना चाहते हैं, स्मॉल लीग में इनको आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। अब हम बात करते हैं काइरी लर्विंग के बारे में, तो इन्होंने इस लीग में लगभग 600 के लगभग पॉइंट कवर करके 15 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, तो ग्रैंड लीग टीम में इनको आप जरूर ट्राई कीजिए, ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन है वाले जो पावर फॉरवर्ड के रूम में बीकेएन की तरफ से आप अपनी टीम में जरूर लेकर मौका दे सकते हैं। स्मॉल लीग के प्लेयर दोस्तों आप ग्रैंड लीग में लेकर चल सकते हैं लेकिन ग्रैंड लीग के प्लेयर सिर्फ और सिर्फ आप ग्रैंड लीग में लेकर चलिए क्योंकि ग्रैंड लीग में थोड़े रिस्की प्लेयर को भी हम अपनी टीम में पिक कर चलते हैं, तो रिस्की प्लेयर को आप स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, रिस्की प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए क्योंकि स्मॉल लीग में कम कॉन्टेस्ट होते हैं, इसलिए हमें टॉप से टॉप प्लेयर पिक कर चलते हैं स्मॉल लीग में। अब हम बात करते हैं की प्लेयर के फॉर्म के बारे में, बात करने से पहले मैं आपको बता दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं की प्लेयर फॉर्म के बारे में, तो बीओएस की तरफ से बारे में बात करें, डेरेक वाइट आपके पास बेस्ट ऑप्शन पॉइंट गार्ड के रूम में होने वाले। मार्कस स्मार्ट के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में आप अपनी टीम में बीओएस की तरफ से जरूर लेकर चल सकते हैं। जैलेन ब्राउन के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट ऑप्शन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के होने वाले। जैसन टैटम के बारे में बात करें, जैसे हमने आपको ऊपर बताया था स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमों के लिए बेस्ट ऑप्शन पावर फॉरवर्ड के रूम में होने वाले। रॉबर्ट विलियम्स के बारे में बात करें, एज ए सेंटर रूम में आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर मौका दे सकते हैं, तो इन पांच प्लेयर को आप अपनी ग्रैंड लीग या ड्रीम टीम में जरूर पिक करके चले, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले। अब हम बात करते हैं बीकेएन की तरफ से की प्लेटफॉर्म के बारे में, क्लेगली लिरिंग के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं, मौका दे सकते हैं। सेट करी के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। पैथ मिल्स के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में आप अपनी टीम में बीकेएन की तरफ से जरूर मौका दे सकते हैं। केविन ट्रांट के बारे में बात करें,
एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूप में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। ब्रूस ब्राउन के बारे में बात करें, एज ए पावर फॉरवर्ड के रूप में आपके पास स्मॉली और ग्रैंडली दोनों टीम के लिए बेस्ट पिक होने वाला है। अब हम बात करें एंड्रे डूमंड के बारे में, तो इनको आप अपनी टीम में सेंटर रूम में जरूर मौका दीजिएगा, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। एज ए सेंटर रूम में चाहे स्मॉलिंग में लेकर चले चाहे ग्रैंड लीग में लेकर चले, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है जी सेंटर रूम में होने वाला है। निकोलस क्लैक्सटन के बारे में बात करें, एज ए सेंटर रूम में आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में मौका दे सकते हैं। तो यह 6 प्लेयर आपको एक अच्छी खासी बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इन 7 प्लेयर को आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। बी के की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी ऑप्शन होने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। बात करने से पहले मैं आपको बता दें, हमने डिस्क्रिप्शन में विजन इलेवन का लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप अभी विजन इलेवन को डाउनलोड करें। विजन इलेवन को क्यों डाउनलोड करें, क्योंकि कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे सिर्फ और सिर्फ आप विजन इलेवन फ्री कमा सकते हैं, यानी कि एंट्री फीस भी कम है, कॉम्पिटिशन भी कम है और विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अभी डाउनलोड करें लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर, और हमारा रेफर कोड यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है। तो अभी विजन इलेवन डाउनलोड करें, अपनी फंटेसी टीम तैयार करें और बहुत ज़्यादा पैसे विन करने का मौका सिर्फ आपको विजन इलेवन देता है। अब हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। तो बेस्ट परफॉर्मेंस में BOS की तरफ से बारे में बात करें, डेरिक वाइट के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 1000 से ऊपर पॉइंट कवर करके। मार्क स्मार्ट के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 1190 पॉइंट कवर करें। प्रिचर्ड के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में लगभग 500 के लगभग पॉइंट कवर करें। जैलिन ब्राउन के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 1273 पॉइंट कवर करके। ग्रांट विलियम्स के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में लगभग 700 के लगभग पॉइंट कवर करें। तो BOS की तरफ से 5 प्लेयर आपको बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे, तो इनको आप अपनी ड्रीम टीम में ट्राई करें तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। BKN की तरफ से बारे में बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में, क्राइल रिंग के बारे में बात करें, एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में लगभग 586 लगभग पॉइंट कवर करके। शैथ करी के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में आपके पास स्मॉली और ग्रैंड लीग बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में जरूर लेकर चलिएगा। अब हम बात करते हैं पैथी मिल्स के बारे में, शूटिंग गार्ड के रूम में लगभग 800 के लगभग पॉइंट कवर करके। केविन ट्रंट के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में आपके पास स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। कैसल एडवर्ड के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में लगभग 400 लगभग पॉइंट कवर करके। तो ये 5 प्लेयर आपको दोस्तों BKN की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें से आप अपनी ड्रीम टीम में प्लेयर पिक करके चलें तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। अब हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, तो 3 प्लेयर आपके पास BOS की तरफ से और 4 प्लेयर आपके पास BKN की तरफ से बेस्ट ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BOS की तरफ से बेस्ट ऑप्शन कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूम में आपके पास कौन सा। मार्कस स्मार्ट के बारे में बात करें, BOS की तरफ से एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में खेलते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं वाला। जैसन टटम के बारे में बात करें, एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में BOS की तरफ से बेस्ट ऑप्शन आने वाले, तो आपके पास पावर फॉरवर्ड के साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में होने वाले। रॉबर्ट विलियम्स के बारे में बात करें, एज ए सेंटर रूम में BOS की तरफ से खेलते हैं, लगभग 1200 लगभग पॉइंट कर करके आप अपनी टीम में सेंटर तो लेकर चलिए चलिएगा, आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में भी बेस्ट चॉइस होने वाली है। शैथ करी के बारे में बात करें, एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में आपके पास स्मॉली और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट चॉइस ऑप्शन होने वाला है। एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में भी आपके पास बेस्ट चॉइस होने वाले। केविन ट्रंट के बारे में बात करें, एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में BKN की तरफ से खेलते हैं, लगभग 1500 लगभग पॉइंट कवर करके कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में आप अपनी टीम में जरूर मौका दे सकते हैं। एंड्रू ड्रमंड के बारे में बात करें, एज ए सेंटर रूम में खेलते हैं और आपके पास बेस्ट ऑप्शन स्मॉली और ग्रैंड लीग दोनों टीम के लिए होने वाले, 1000 के लगभग पॉइंट कवर करके। तो अपनी टीम में सेंटर के साथ साथ कैप्टन या वाइस कैप्टन भी लेकर चले तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं निकोलस क्लैक्सटन के बारे में, तो एज ए सेंटर रूम में यह भी BKN की तरफ से सेंटर रूम में खेलते हैं, तो आप अपनी टीम में इनको एज ए सेंटर के साथ साथ कैप्टन या वाइस कैप्टन रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। तो 7 प्लेयर आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, चाहे आप स्मॉली टीम में आए चाहे ग्रैंड लीग टीम में आए, इन्हीं प्लेयर को आप अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन लेकर चलिएगा। इनके अलावा आपके पास और कोई अच्छा खासा ऑप्शन नहीं होने वाला, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन ही होने वाला है। अब हम बात करते हैं इंजरी, कोई भी प्लेयर नहीं है, सभी प्लेयर फिट है। स्क्वाड के बारे में बात करें, अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्वाड की तरफ जरूर नजर मार लें। पॉसिबल प्लेइंग एट के बारे में बात करें, तो हमने हमारी तरफ से दोनों टीमों में से 8-8 प्लेयर पिक किए हैं, यानी कि हमारे हिसाब से यह प्लेयर आज के मैच में खेलने वाले। बाकी हम आपको लाइनअप बनाने के बाद टेलीग्राम पर टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी ड्रीम टीम के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट गार्ड के बारे में। तो लिवरिंग आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जो पॉइंट गार्ड के रूम में BKN की तरफ से देखने को मिलेगा, इनको अपनी टीम में पॉइंट गार्ड के साथ साथ। व्हाइट के बारे में बात करें, BOS की तरफ से बेस्ट ऑप्शन है जो पॉइंट गार्ड के रूम में होने वाले। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें, पी मिल्स और प्रीचर्ड को अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में लेकर चलेगा। स्मॉल फॉरवर्ड के बारे में बात करें, ड्रंट आपके पास BKN की तरफ से बेस्ट ऑप्शन और BOS की तरफ से विलियम्स आपके पास बेस्ट ऑप्शन स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में होने वाले। अब हम बात करते हैं पावर फॉरवर्ड के बारे में, तो जेट टटम को आप अपनी टीम में एज ए पावर फॉरवर्ड के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। सेंटर के बारे में बात करें, तो तीज को अपनी टीम में BOS की तरफ से पहले ही टीम में मौका दे सकते हैं, इस लीग में बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल रही है।
अगर इनके पिछले कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, हर आप देख सकते हैं हर मैच में लगभग 30 या 30 से ऊपर पॉइंट कर करते हैं, तो आप अपनी पहली ड्रीम टीम में एज ए सेंटर रूम में मौका दे सकते हैं। वैसे आपके पास ड्रूमंड भी है बेस्ट ऑप्शन एज ए सेंटर रूम में होने वाले, विलियम्स भी होने वाले, तो इनको आप अपनी अलग टीम में मौका दीजिएगा, लेकिन आप अपनी टीम में दीज को पहली टीम में मौका दीजिएगा एज ए सेंटर रूम में, आपके पास गोल्ड साबित होने वाले हैं। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, तो केट ड्रूमंड को अपनी टीम में कैप्टन और टैटूम को अपनी टीम में वॉइस कैप्टन के रूम में लेकर चले, तो आपको कोई भी लॉस नहीं होने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा सकते हैं, यूट्यूब पर हम आपको कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते।